श्री मांगेराम, श्री मांगेराम साधु बिन अच्छा गुंडा कौन पिछाने। जैसे अर्जुन ने महादेव मिले थे मिल जा भगी बाबाने, अर्जुन ने महादेव मिले थे मिल जा भगी बाबाने। भाई मोर छाप सर दाना दाने दुनिया के सारे यन में कभी दूरे निकल जा पावे ना। श्रीमान विजय बीरण से 50 रुपए सम्मान करते हैं और ये श्रीमान रघुवीर जी ग्राम बीरण से वो भी अपनी तरफ से 100 रुपए सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़े भाई साहब श्रीमान वीरपाल सिंह जी ग्राम तिगड़ाना से अपनी तरफ से वो भी आज के इस कार्यक्रम में 100 रुपए सम्मान करते हैं, भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ग्राम दिनोद से, ग्राम दिनोद से श्रीमान राजेश जी अत्री 1, राजेश जी अत्री 2, दोनों चाचा भतीजा हैं और दोनों की तरफ से आज के इस कार्यक्रम में 500 रुपए गौ माताओं के लिए और 200 रुपए हमारी पार्टी के लिए। चाचा मजबूर बताया गया था कि मांगे राम साधु बिना छोर भूंड कौन पिछाने, मांगे राम साधु बिना अच्छा भूंडा कौन पिछाने। जैसे अर्जुन ने महादेव मिले मन मिल जा भगवा बाणे, मोर छाप से दाने दाने दुनिया के सारे अन्न में कदे दूर निकल जा पावे न गहरे वन। राजा अंब दरबार से बाहर जाता है और संयोग उस परमात्मा का सामने से साधु आते दिखाई देते हैं और राजा उन साधु से मिलता है, बड़ा प्रसन्न होता है। महाराज प्रणाम, खुश रहो आनंद करते रहो। हे प्रभु, एक बार आपके अलग सुनी दोबारा आपके दर्शन हुए, मैं बेचैन हो गया था, बड़ा सौभाग्य जो आपके दीदार हो गए, आपके दर्शन हो गए। ठीक है महाराज, राजा जी आप इतने मतलब दानी वीर हो जी और दयालु हो तो इस साधु को कुछ दो। देखिए प्रभु, साधु संतों के लिए गौ ब्राह्मण देश धर्म और संतों के लिए मेरा तन मेरा मन मेरा धन तीनों हाजिर है। वाह, आप जो चाहे मेरे से ले सकते हैं, जो भी मेरे पास है मैं आपको दूंगा। दो दे तो पढ़े मेरे को तीन वचन दो। वचन? हाँ कोई बात नहीं महाराज, साधु संतों के लिए जब प्राण हाजिर है तो वचन क्या चीज है। बच्चे भाई तोले दिल मरा यकीन, जो मांगोगे वही मिलेगा, मैं वचन देता हूं 1 2 3। राजा जी महाराज कहिए। ये आपका राज कोरडा मेरे को दे दे। राज कोरडा? हाँ हे प्रभु, राज कोरडा का क्या करेंगे आप? आप कोई धन दौलत मांगिए, हीरा मोती जवाहरात मांगिए, इस राज कोरडे के अंदर क्या है, क्या करोगे इसका? राजन जी, हीरा पन्ना जवाहरात की कोई जोर तो नहीं है, ये आपका राज कोरडा दो। लीजिए महाराज, बड़े शोक से राज कोरडा आपके हाथ में जी। राजन जी महाराज, ये राज कोरडा मेरे पास में, मेरे हाथ में। बिल्कुल आपके हाथ में, आपको दे दिया। दे दिया तो आप मेरी नगरी से भी बाहर जाओ। नगरी से भी बाहर जाओ? बिल्कुल, ये राज कोरडा मेरा है इस टाइम पे, और राज में मेरा है, ये जगह भी मेरी है। कोई बात नहीं महाराज, आपने मेरे से वचन लिए थे और मैंने अपने मुख से वचन दिए थे। कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ठीक है महाराज, लेकिन आपसे एक विनती करता हूँ। कौन सी विनती है? कि मर्द और वीर जिंदगी की बराबर के पहलू होते हैं, गाड़ी के दोनों पहिए होते हैं। इस राज के ऊपर मेरी औरत का, मेरी रानी का भी आधा हक है। महाराज अपनी तरफ का राज मैंने आपके चरणों में अर्पित कर दिया है, एक बार आपकी इजाजत चाहता हूँ अपनी महारानी से सलाह करने के लिए। जाओ मिलो जी, आप विराजिए।
हेलो हेलो सजनो वचन सुने उस साधु के राज मन में हुआ उदास। झटपट महल में पहुंच गया रानी अंबली के पास। ओहो महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम स्वीकार है देवी। और महाराज जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछिए। क्योंकि आप दरबार से आए हैं जी, तो ये बताइए कि हमारे राज्य में हमारी प्रजा में सब तरह अमन चैन है, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है? पूरी प्रजा में अमन चैन है, कोई दुख कोई तकलीफ किसी जीव को नहीं है। वाह बड़ी अच्छी बात है महाराज, लेकिन आज आपका चेहरा उदास है। हाँ महारानी। इस उदासी का क्या कारण है? देखिए अभी थोड़ी देर पहले दरबार के अंदर एक साधु महाराज आए थे। महाराज ये तो बड़ी खुशी का दिन है हमारे लिए। हाँ। कि संतों का आना हुआ है हमारे दर पर। उस साधु की मैंने सेवा की, आदर सम्मान किया जी। और जब ये कहा कि महाराज मेरे लायक और सेवा बताइए। हाँ। तो उस साधु ने मेरे से तीन वचन मांग लिए और मैंने दे दिए। ठीक है महाराज, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कैसे नहीं है महारानी? उस साधु ने वचन भरवा करके मेरे से मेरा राज कोरडा मांग लिया। तो महाराज आप दे देते राज कोरडा? दे दिया ना। कोई बात नहीं महाराज, लेकिन महारानी आपको ज्ञान होना चाहिए, राज कोरडा दे दिया तो राज कोरडे के साथ राज भी उसी का हो गया। बिल्कुल महाराज, ये तो सत्य है, क्योंकि राज कोरडा उनका है तो राज्य पर उनका हक है, हमारा कोई हक नहीं है। देखिए महारानी, मैंने राज राजा उस साधु के चरणों में अर्पित कर दिया है जी, लेकिन आपकी क्या सलाह है? मैं आपकी राय लेने के लिए आया हूँ महाराज। सलाह लेने के लिए आया हूँ। आप मेरी इजाजत लेने के लिए आए हैं? हाँ। विचार लेने के लिए आए हैं? बिल्कुल। लेकिन महाराज मुझे इस राज से कोई मतलब नहीं है। सुनिए मेरी बात, मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हैं और हमारी तौकात भी क्या है, क्योंकि जिस दर पर साधु आए हैं कुछ ना कुछ दिया है, और हमारा तो कर्म है कि साधु ब्राह्मण गऊ का सम्मान करना सत्कार करना। सुनिए मेरी बात। धन्य हो महारानी, आपसे मुझे यही उम्मीद थी। बच्चे भाई बच्चे महाराज कहिए। हे जी हो मैं तेरे दर्शन की प्यासी सूं। बोलियो मैं तो तेरे दर्शन की प्यासी सूं। जिस दिल तेरे ब्याही बहुत अच्छा बेटे, और जो बालम का कया कर दे वे हो से और लुगाई। जय हो। तेरे दर्शन की
राम दिनोद से राजेश यात्री वन, राजेश यात्री टू, चाचा भतीजा, चाचा भतीजा की ओर से 200 रूपए पहले और 200 रूपए से और सम्मान होता है। और ये जाकर लोहारी से जय प्रकाश जी लाठी वाला 200 रूपए से अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। सुनिए नंबर दो की बात, हाजी सनसनीवाल, ये श्रीमान रमेश जी सनसनीवाल ग्रामपुर से, वाह अपनी तरफ से 200 रूपए सम्मान। धन्यवाद। सुनिए नंबर दो की बात, कहिए वो गोबीर मर्द इस दुनिया के मां एक मसोड़ा हो से कहे सुने की जो मन को ना वो डंगर ढोर हो से पतीते लुखमा वो चीज रख ले वा तो चोर हो से वो जो बालम का वो कहा देर दे वा तो और हो से से ग्राम लेलाना से अमर सिंह जी 200 रुपए से अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। और ये हमारे ग्राम दिनोद से ताऊ रति भांजी चौधरी, अरे क्या वो भी 200 रुपए से रागनी पर आशीर्वाद देते हैं। दादा राम फल जी शर्मा दिनोद से वो भी अपनी तरफ से 100 रुपए सम्मान करते हैं। और ये ग्राम बजीना से ये दादा मदन लाल जी शर्मा जो 200 रुपए से अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद तो हम ही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 3 बहुत अच्छे और ये हमारे प्रधान जी श्रीमान तेजवीर जी, प्रधान जी श्रीमान तेजवीर जी अपनी तरफ से वो भी इसी रागनी पर अपनी तरफ से 500 रुपए से व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद धन्यवाद प्रधान जी श्रीमान तेजवीर जी। ये हमारे हमारे कमांडो साहब श्रीमान रतन सिंह जी ग्राम बापोड़ा से वो भी अपनी तरफ से 100 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए श्री नमन की बात उस्ताद, पर महाराज जिंदगी भर तक रही रुखाली साजन तेरे माल की संसारी भरासन से काज तार खाल बाड़की 84 लाख जीव जंतु ने चढ़ना भेट काल की देखो जो बलम कर कया देर दे पतिवरता और रत के ले
माता से अपनी तरफ से 100 रुपए गौ माताओं के लिए और 100 रुपए पार्टी के लिए, 200 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भाई रफी खान जो 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। और ये ग्राम टिटानी से ये दलीप जी प्रेमी जो 200 रुपए से सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ग्राम तिगड़ाना से हमारे बड़े प्रेमी ये वीरपाल जी ठाकुर साहब जो 200 रुपए से अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ग्राम दिनोद से डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट श्रीमान महिपाल जी चौधरी साहब अपनी तरफ से 200 रुपए सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपए श्रीमान रमेश सिंह जी राजपूत ग्राम बापोड़ा से, वो भी 100 रुपए से और सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए नंबर 4 की बात, नंबर 4 की बात सुनिए। जमींदार ने खबर लाग जा क्या? पाकी और फसल के लोगों पर बिन दखे पर बिन के अरे पेरा लगे असली वो रे नकल की जो पतिवरता औरत वो ना करती बात दखल की जो बालम का वो कया गेर दे वे हो से और नसल नसली जो बालम का गेर दे हो से और नसल की इन मिसला के ऊपर भर दे दंद मांगे राम गवाई। श्रीमान दीपचंद जी ग्राम भवानी महारानी जी महाराज, देखिए आपने भी अपनी तरफ से अपनी राय जाहिर कर दी। हाँ आप मेरी सलाह के अंदर हैं जी, लेकिन अपने बेटे सर्वर और नीर को भी बुलाइए, उनसे भी पूछते हैं कि उनका क्या विचार है। बुलाइए महाराज। हाँ बेटे नीर, हेलो जी पिताजी प्रणाम। बेटे सर्वर, पिताजी प्रणाम। आयुष्मान खुश रहो, आओ बेटे। हाँ हाँ। आपसे एक छोटा सा काम है। आज आपका चेहरा उदास क्यों है, क्या कारण है? बिल्कुल बेटे, दरबार के अंदर साधु महाराज आए थे, उन्होंने 3 वचन लेकर के राज कोड़ा मांग लिया। अच्छा। और राज कोड़े के साथ राज भी उनके अधीन हो गया। हाँ हाँ। और अब तो इसमें घबराने की क्या बात है, हम आपके साथ है। बिल्कुल आप मेरे साथ हो ये मुझे पूरा विश्वास है। हाँ लेकिन आपकी कुछ राय हो, आप कुछ कहना चाहते हो तो बताइए। हम भी साधु के दर्शन करना चाहते हैं। साधु के दर्शन करना चाहते हो? हाँ पिताजी। आइए आपको मैं दर्शन करवाते हैं। महारानी जी बच्चों को भी साधु के दर्शन करवाते हैं। महाराज आइए। बेटे ये है वो साधु महाराज। ओहो जय हो, आदेश गुरुजी, आदेश गुरुजी। महाराज मैं भी आपको नमस्कार करती हूँ, प्रणाम क्या करती हूं। यही वो महान मूर्ति है, यही है वो महाराज। अच्छा जिन्होंने आज हमें बड़ा कृतार्थ किया है, जिन्होंने आज हमें दर्शन देने की कृपा की। इसमें कौन सी मारी खता लिए हम दुख दर्दा ने सता, और लिए हम दुख दर्दा ने सता, और वो दिलो पिताजी ऐसे, और वो दिलो पिता ऐसे, और वो दिलो पिताजी ऐसे, बिरगुआ लीला अरे बाबा जी के पाया के मां गिर दिया गा के चरना के मां गिर दिया गात। ओए कुचे
बाते ओ मारी टेक सने गिरिधारी ओ मन में कौन सी बात बिचारी अरे मन में कौन सी मनी हारी अरे मदद करेंगे मारी मदद करेंगे मारी मदद करेंगे मारी वे त्रिलोकी के ना जी के पाया के मां गिर दिया गा क्या लाए थे खेल जंग साथ बाबा जी के पाया के मां गिर दिया गा क्यों ना संता की सेजे बेल बजावे बजावे कया बखत आता ना आवे के पाया के मागेर दिया गात हेलो क्यों ना संता की टहल बजावे गया बखत इतना ही आवे और मंगे राम बतावे अपनी गोड ब्राह्मण जात साधु राम जी सुई से 50 रुपए गौ माताओं के लिए और 20 रुपए पार्टी के लिए देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है महाराज हेलो हे महाराज राजा हम देखिए साधु महाराज एक बात आप हमसे भी सुन लीजिए हाँ आपने हमारा राजपाट ले लिया और इसी बीच सतपाल सिंह बापोड़े से खुश होकर के 100 रुपए इसी रागनी पर देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी अब मैं मेरी महारानी और मेरे दोनों बच्चे सर्व और नीर इस आपके शहर को आपके राज को छोड़ करके हम जाना चाहते हैं हमें इजाजत दीजिए और ये नूरा मेरा पुराना रसोईया आज बहुत दिन आया है वाह राजा एम मेरा पुराना जी है। तेरा पूरा परिवार बहुत ही स्वतंत्र है जी कहिए महाराज ये तो है एक राजा एम एक और चीज देनी पड़े हमें और भी चीज देनी पड़ेगी हाँ। सारा राजपाट दे दिए और के बाकी रह गया महाराज वो पुराणो मदन और चढ़ा दे मेरे ठीक है महाराज हम जाते हैं जाने से पहले ये तुम्हारी रानी के शरीर के ऊपर रानी के शरीर के ऊपर ये आभूषण है ये भी उतार दो ये गहने हैं ये भी मेरे हैं गहने भी आपके हैं और क्या बाबा सारा राज आपको दे दिया खजाने की चाबी आपके पास में है फिर ये गहने क्या चीज है बाबा औरत का सिंगार होता है औरत के लिए गहने और कपड़े जान से भी प्यारे होते हैं महाराज ये तो कम से कम छोड़ दीजिए राजा ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है रानी जी महाराज गहने उतार दिए अभी मेरे हैं मेरे राज के ठीक है मुनिराज सुनिए महाराज सजनों ऐसा वक्त देखना बकाया था राजपाट चला गया और साथ में मेरी रानी के गहने भी मांग रहा है बाबा ये तरज हमारे हरियाणा के मशहूर सांगी हुए राय जी धनवत ये उनकी तरज है सुनिए गौर से सुभाषियों की बाबा गहने वस्त्र मत ना तारे यारो रोके मर जागी गहने वस्त्र महाराज कोई बात नहीं है महाराज माफ कर दीजिए फूल परी डर जागी गहने वस्त्र मत ना तारे
मंगवा रखे वो पीले लाल हरे से बाबा दूर दूर ते मंगवा रखे पीले लाल हरे से मेरे झूठ तेरे जस्ते होते घरा संदूक भरे से हाथ जोड़ के माफी मांगू बाबा वो सब राज तेरे से हाथ जोड़ के माफी मांगू वो सब राज तेरे से मठर जानी बगे वस्त्र मतना तारे रो रो के रे जानी काटू काटू मतना लाए धूर परी डर गए आए कहने कपड़े मतना तारे रो रो के रे जानी ला 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 और साधु राम जी जांगड़ा ग्राम पपोस सहासी से सौ रुपये सम्मान करते हैं, 200 रुपये सम्मान करते हैं। ये सोरण मिथ्या थल से 200 रुपये गौ माताओं के लिए और 50 रुपये पार्टी के लिए सम्मान करते हैं। श्रीमान रघुवीर जी ग्राम बीरण से 100 रुपये सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिए बाबा, जीते प्यारा बाबा जीतन जुलम करे मठा धरती के मारा बाबा जीतन जुलम करे मठा धरती के मारा और बल्ला भी जत्ता को न्या मेरा जी गट्टी मारा बाबा मेरी ते बाबा मेरी ते बाबा मेरी ते चाहे नाड़े तार ले रे गणे जाना तारे लेडी से 100 रुपए सम्मान करते हैं, 100 रुपए दादा राजेंद्र जी शर्मा बापोड़ा से सम्मान करते हैं, और ये 100 रुपए हमारे चौधरी साहब श्रीमान धर्मवीर जी गोयत ग्राम कुंगड़ हालवासी अमेरिका, वो भी अपनी तरफ से 200 रुपए सम्मान करते हैं। धन्यवाद भाई सोमवीर जी दैया ग्राम तिगड़ाना से 100 रुपए सम्मान करते हैं, धन्यवाद। जय हो दैया साहब की। ये बनेश सिंह जी राजपूत ग्राम दुल्हेड़ी से 100 रुपए सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान विजय सिंह जी काबा बापोड़ा से 100 रुपए सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए बाबा नंबर 3 की बात, और ये श्रीमान राजरूप जी हलदार साहब बापोड़ा से 200 रुपए सम्मान करते हैं, धन्यवाद। बाबा बासी कुसी टुकड़े खा के यो पेट खड़ा भरना से बासी टुकड़े खा के पेट खड़ा भरना से मेरी बासी कुसी टुकड़े खा के पेट खड़ा भरना से हाथ जोड़ के माफी मांगू मलिया तेरा सरना से बाबा हाथ जोड़ के माफी मांगू मलिया तेरा सरना से चार प्राणी तेरी नाव में खेवे कते तर जागी सब देने वस्त्र मतना तारे यारो रो के मर जागी ओ टाटू टाटू कत बोले भूर परी डर जागी कहने कपड़े मतना ला 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 ला
सुल्तान चंद्रपाल जी जोगी ग्राम रेवासा से 100 रुपये सम्मान करते हैं और श्रीमान वीरपाल सिंह जी तिगड़ाना से 100 रुपये और सम्मान करते हैं। भाई दलीप जी टिटानी से 100 रुपये सम्मान और करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ग्राम दिनोद से ये दादा शिव कुमार जी पंडित जी जो 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। और ये ग्राम बापोड़ा से सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद जी के प्रधान जी ये विनोद कुमार जी विनोद सिंह जी जो 200 रुपये से अपने बच्चों को पार्टी को आशीर्वाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। ये महावीर जी डॉक्टर साहब 100 रुपये सम्मान करते हैं और ये श्रीमान वजीर जी ग्राम बवानी खेड़ा से भी 50 रुपये और सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा आखिरी बात और सुन ले, सुना और हो सके तो हमें माफ कर देना। मेरी काया में आगे लाग री थी अगेर पतंगा पत्ती मेरी काया में आगे लाग री थी अगेर पतंगा पत्ती धर्म के कारण करे फिरो सूर वज्र के छती गुरु लक्ष्मी चंद का यो है कहना हिम्मत का राम हिम्मती बाबा लक्ष्मी चंद का यो है हिम्मत का राम हिम्मती सौरभ श्रीमान अजीत सिंह जी अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं। सौरभ दादा ओम प्रकाश जी शर्मा बापोड़ा से सम्मान करते हैं और ये गुरु लक्ष्मी चंद का यो है कहना हिम्मत का राम कह मांगे राम खबात करे जा दुनिया के दर्जियागी हर बाबा कहने वस्त्र मत ना तारे या रो रो के मर जागी। इतना अच्छा बोले जी महाराज, आप ये बात मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, रानी के तो कपड़े ये कहने तार नहीं होंगे, तार नहीं पड़ेंगे। महाराज जब हमने अपना राज्य दे दिया है तो ये गेने वस्त्र कोई बड़ी बात नहीं है। सुनी महाराज जल्दी तारा रानी। हाँ जी सुनिए कहीं मैं तारूंगी सिंगार पिया रानी उस राजा का साथ देती है और अपने राजा से उस महाराज के सामने न्यू कहने लगी कि मैं तारूंगी सिंगार पिया वो कोना लाऊ बार पिया बाबा की झोली भर लेने दे ओ बाबा की झोली भर लेने दे तारूंगी सिंगार पिया कोना लाऊ बार पिया बाबा की झोली भर लेने दे ओ सारी तारू शाम समुची सारी तारू शाम समुची मेरे लूंगी नगी पूछी बाबा ने खूब सिंगर लेने दे ओ, बाबा की झोली भर लेने दे ओ, तारूंगी सिंगार पिया मैं लहू वार पिया बाबा की झोली भर लेने दे ओ, बाबा की झोली भर लेने दे आ, 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 आ,
सोमवीर जी दया भाई साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, और ये आदरणीय दादा सूर्य कवि लक्ष्मीचंद समिति के प्रधान जी, ये हमारे विनोद सिंह जी, वो भी 100 रुपए से इसी रागनी पर मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रघुवीर जी बीरण से वो भी 100 रुपए इसी रागनी पर सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ग्राम दिनोद से, ये राजेश जी अत्री जी, राजेश जी वन, राजेश जी टू, चाचा भतीजा की तरफ से 200 रुपए से इसी रागनी पर और सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए नंबर दो की बात। नंबर दो, श्रीमान अमर सिंह जी, श्रीमान अमर सिंह जी ग्राम लहलाना से 100 रुपए सम्मान और करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे दादा शिव कुमार जी, ये बेंगलोर रहते हैं, जो पिछली बार भी यहाँ आए थे, और इन्होंने अपनी तरफ से एक छोटा हाथी हमारी गौशाला में दिया था और 11,000 हमारे नाम के दिए थे। बिल्कुल, अब की बार भी ऑनलाइन जो फिलहाल कार्यक्रम देख रहे हैं अपनी तरफ से, जो बहुत अच्छे गायक भी हैं, रागनियां भी सुनाते हैं, भजन भी सुनाते हैं, 1100 रुपए से ऑनलाइन पार्टी का सम्मान करते हैं दादा शिव कुमार जी शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम दादा। ये श्रीमान सूरज भांजी सांगवान, चेयरमैन एलसी फेडरेशन, और बबीता सांगवान, बबीता पानो, दोनों की तरफ से आज के इस कार्यक्रम में बतौर आशीर्वाद 1100 रुपए से पार्टी का सम्मान किया जाता है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए नंबर 3 की बात, बताइए महाराज, ये बाबा नहीं है, बाबा नहीं है, सुनिए। हाँ, वो इस दुनिया में इस मानस के ना कोई मिंत्र प्यारे, इस दुनिया में इस मानस के ना कोई मिंत्र प्यारे, बाबा जी तुम जुल्म करे हम ठा धरती के मारे, हमारे दुख ने कौन संभाले, हमारे दुख ने कौन संभाले, हम डूबेंगे अधम बिचारे, बाबा ने पार उतर लेने दे, बाबा की झोली भर लेने दे, उतारूंगी सिंगार पिया, बार पिया झोली भर लेने दे, ये वीरपाल सिंह जी राजपूत जो काफी सम्मान कर चुके हैं, 100 रुपए से और सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिए महाराज नंबर आखिरी बात, कहिए महारानी। एक वचन में भस्म करा इस संत करे ते आज्ञा, सही परमेश्वर की निगाह फिरी, यो मौका सही था गया, लाग्या से घने दिन में खटका, लाग्या से घने दिन में खटका, श्री मांगे राम देखिए झटका, हवा दूसरी फिर ले दे, ओ, 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 ओ,
करा ऐसा संत कड़े ते आ गया उस परमेश्वर की निगाह फिरी मौका सही था गया लाग्या से घने दिन में खटका मांगे राम देखिए झटका हवा दूसरी फिर लेने फिर लेने दे रानी जी ये तुम्हारा शरीर के ऊपर जितने भी गहने हैं उतार दे उस बात को भी याद रख तारूंगी मैं शाम समूची महरे लूंगी नागी बुची बाबा ने खूब सिंगर दे तार दे धर्मपाल जी चौधरी दिनोद से सौ रुपये सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद ठीक से बाबा अब तेरी सारी इच्छा पूरी होगी इब ते जा सके हम ये राजन जी तुम्हारे हाथ के अंदर ये अंगूठी है ये भी मेरी निकाल दो ले बाबा खो दिया ना बट बाबा ये ले बाबा ये घड़ी भी उतार दो ये ले बाबा ले बच्चे आप भी दो पिताजी मैं नहीं तारूंगा नहीं बेटे जब मैंने दे दिए तुम्हारी माँ ने दे दिए तो तुम भी दे दो सारे यानी क्या दिक्कत है ले पकड़ो ये बेटे नाक के भी काट दे ये चैन उतार दे बेटा ये बॉडी भी उतार दो ये ग्राम पुरिया से श्रीमान सत्यनारायण जी सनसनीवाल सरपंच के ताऊ जी अपनी तरफ से जो 600 रुपए पहले दे चुके हैं 700 रुपए पहले दे चुके हैं और 300 रुपए और गौशाला में देते हैं और 100 रुपए से पार्टी का सम्मान भी करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद सिंह ये पेन दे तेरा उरला के पेन कर ठीक है बाबा अब हमें जाने की इजाजत दीजिए ठीक है महाराज आप मेरी नगरी से तुरंत बाहर हो जाओ ठीक है महाराज जैसी आपकी इजाजत जैसी आपकी आज्ञा हाँ ज्यादा यहाँ खड़े रहोगे तो मैं तुम्हारे वस्त्र भी उतरवा दूंगा तेरी धोती भी खोल दूंगा बदे ठीक है महाराज तन के कपड़े भी भरी हो कोई बात नहीं महाराज हम जाते हैं जब सजनों कहते हैं विपत्ति किसी में मत पड़ियो या विपत्ति बुरी होती है दिन रात गात में घात करे या गुपत छुरी होती है हरदम गम में रहने से अडफोड़ जुरी होती है जैसे विपत पड़ी थी राजा हरिश्चंद्र में गई अवध की गद्दी लूटी विपत पड़ी थी राजा रामचंद्र में गई वन में सिया लूटी विपत पड़ी थी राजा रावण के मां जो सोने की लंका टूटी विपत पड़ी थी राजा नल के अंदर जो हार निगल की खुट्टी अरे वाय विपता मारे पैसे या बात नहीं सह झूठी ठीक है महाराज चलते हैं आइए महारानी चलिए आजा आजा काफी दूर तक जंगल के अंदर निकल जाते हैं दोनों नादान बच्चे कभी पैदल चलने का काम नहीं पड़ा था बच्चों के पैरों में छाले हो जाते हैं रानी भी दुखी हो जाती है राजा भी परेशान हो जाता है लेकिन राजा तो अपने दिल को रोक लेता है जो मासूम बच्चे थे वो बच्चे थक जाते हैं और रोते रोते उस रानी से और राजा से यानी अपने माता पिता से अपने मन की व्यथा बताते हैं जरा सुनी माता जी देखिए चल नहीं जाता बेटी थोड़ी दूर की बात हो रहे हैं नहीं माता जी पिताजी पिताजी बेटे हम थक चुके हैं कोई बात नहीं हम कभी इतने पैदल नहीं चले हैं आओ थोड़ी दूर की बात है और देखिए हमारे माता जी के भी पांव सूज गए हैं बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ इस बात को हाँ लेकिन बेटे थोड़ी दूरी पर चलेंगे साथ रखो थोड़ी दूरी पर चलेंगे कोई शहर कोई नगर कोई गांव आ जाएगा नहीं पिताजी नहीं पिताजी हमारे पैरों में छल्ले पड़ गए कोई बात नहीं बेटे थोड़ी देर की बात है ओ हम चलते चलते हारे ओ पिताजी भी आबाद चलते चलते हारे पिताजी भी आबाद चलते चलते हारे पिताजी भैया
चलिए बेटे। ओ ताप और निवाई चढ़गी माता डरती के, ताप और निवाई चढ़गी माता मारी डरती के, अंगलियों में छाले पड़ गए पाया फिरती के, अंगलियों में छाले पड़ गए पाया फिरती के, हम ठा धरती के मारे इस कलर से मैदान में, हम चलते चलते हारे पिताजी भी आबाद में, चलते चलते हारे पिताजी भी आबाद में, बाद में पिताजी भी आबाद में। और पिताजी बेटे ओ सिक्का गिरे चुगने लाग रे चुगा करे थे मोती, हंस का करे चुगने लाग रे जो चुगा करे थे मोती, आए सोहरा के जोड़े की माता दुख के अंदर रोती, सोहरा के जोड़े की माता दुख के अंदर रोती, इसे गोती नती प्यारे रहे ना इस जहान में, हम चलते चलते हारे पिताजी भी आबाद में, चलते चलते हारे पिताजी भी आबाद में, 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 हम चलते चलते हारे पिताजी भी आबाद, आए 24 घंटे मौज करते हंड से बेबन में, आए 24 घंटे मौज करते खुशी रहते मन में, अमृतसर का राज छूट गया हंड से बेबन में, अमृतसर का वो राज छूट गया हंड से बेबन में, जैसे दिन में दिखे तारे इसे नीले से आसमान में, चलते चलते हारे पिताजी भी आबाद में, चलते चलते हारे पिताजी भी आबाद में, पिताजी भी आबाद में, पिताजी भी आबाद में, हम चलते चलते हारे पिताजी भी आबाद में। और पिताजी बेटे हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ आ रहा कुछ भी नहीं रहा, साधु ने ले लिया हमारा, क्या क्या हो किते जा क्या करे गुजारा, तोरे नहीं एक ज्यादा, हो किते जा के हम करे गुजारा, तोरे नहीं एक छदा, हमरे काले के नाड़ काट ले तेरे हाथ में है ये जाने, हमरे काले के नाड़ तार दे हम रहेंगे तेरे गुलाम, काले के नाड़ काट ले हम रहेंगे तेरे गुलाम, गुरु मांगे रात छंद थारे ये पीछे हुए ज्ञान में, हम चलते चलते हारे पिताजी भी आबाद में। और तिगड़ाने से वीरपाल भाई खुश होकर के 100 रुपए सम्मान करते हैं, अपनी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ये श्रीमान नरेश चेयरमैन जी मढ़ाना से, मैनेजर साहब बैंक मैनेजर है, बहुत ऊंची पोस्ट है इनकी, बैंक मैनेजर है, कोई कमी नहीं है, वो खुश होकर के 100 रुपए इनाम देते हैं, धन्यवाद। श्रीमान राजेश जी भिवाणी से, राजेश जी भिवाणी से 500 रुपए गौ माताओं के लिए, क्या बात है, 100 रुपए पार्टी के लिए और 100 रुपए हमारे इस पार्टी के मेरे डांसर नवीन के लिए। कितने जाके करे गुजारा धोरे नहीं एक चाधाम, बेटे ते गले के नट काट दे हम रहेंगे तेरे गुलाम, गुरु मांगे राम छंद थारे भीगे हुए ज्ञान में, चलते चलते हारे पिताजी भी महारानी बान में, बोलो श्याम प्यारे की जय हो, बोलो लख दस्तार की जय हो, हरे ये लक्ष्मी चंद जयंती के प्रधान श्रीमान सियाराम जी शर्मा अपनी तरफ से 200 रुपए आशीर्वाद देते हैं, शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान जयप्रकाश जी बोड़ा वो भी अपनी तरफ से 200 रुपए सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान रघुनाथ जी चंदियाला अपनी तरफ से वो भी 100 रुपए सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। महारानी हेलो, देखिए जी महाराज ये नादान बच्चे हैं, चलते चलते थक लिए हैं,
अब इन बच्चों के बस की बात नहीं है पैदल चलना, तुम्हारा जैसा कीजिए, इन बच्चों को गोद में उठाना पड़ेगा। मैं सर्वर को गोद में ले लेती हूँ और आप नीर को गोद में ले लीजिए। नहीं रानी, आप नीर को उठाइए, मैं सर्वर को ले लेता हूँ। नहीं महाराज, देखिए आपका बदन नाजुक है, आपसे सर्वर नहीं चलेगा। बात सुनिए मेरी, ये श्रीमान धर्मपाल जी फौजी ग्राम बापोड़ा से, धर्मपाल जी फौजी वीर अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में 500 रुपए से पार्टी को आशीर्वाद देते हैं। श्रीमान धर्मपाल जी फौजी वीर बहुत बहुत धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। सुनिए, ऐसा नहीं होगा, सर्वर बड़ा है, मैं ले लेती हूँ। नहीं, मैं लेता हूँ। देखे मैं थालियों सर्वर नारानी, ये तो कोती थालियानी ओ भैया की सू मेरे पिया मारी फूट लई तकदीर। पट छूट ग्यारी रानी मन
भी थकली वो नहीं निकलता मुख बोल बेटे हारे सबसे बड़ी बात रानी एक और होगी के बुजेरी रानी मारी यार छूट गई जो जली अजीत गणकस भिवानी से 100 रुपए गौशाला के लिए और 100 रुपए पार्टी के लिए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान चंद्रपाल जी योगी हाँ। ग्राम रेवासा से 200 रुपए से और सम्मान करते हैं सीरागनी में। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बड़े भाई साहब श्रीमान सतवीर जी जाखड़ ग्राम दिनोब से हाँ। वो भी 200 रुपए से सम्मान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 3 की बात सुनिए रानी। महाराज प्रकाश जी बीरण से, ओम प्रकाश जी जांगड़ा बीरण से 100 रुपए सम्मान करते हैं। और ये 100 रुपए भाई सतवीर जी पांचाल बापोड़ा से, वो भी 100 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। सुनिए कहिए महाराज। बाबा जी ने मारे कर्म के योर मारा तीर सांध के पिया जो रंदगी वो फिर रंधे ना वो देखो कोई रांद के यार जी निकलन ने और मैं आ गया रे गोंदर बीच बांध के गहने वस्त्र उतार दिए चली साड़ी आज बांध के पिया गहने वस्त्र उतार दिए चली साड़ी आज बांध के आज टुकड़ा का ससा बन गया कत्ते वट्टा बखड़ी चली सिंह जी सोलंकी अपनी तरफ से 100 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भाई बिक्की सोलंकी सही है ना कलानौर 200 रुपए से ग्राम कलानौर से सम्मान करते हैं बड़े भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बीरण सिंह के नाम बताया था वो। श्रीमान विनोद कुमार जी सारण, श्रीमान विनोद जी सारण बीरण से अपनी तरफ से 500 रुपए से इसी रागिनी पे आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हिसार से एक सज्जन और आए थे बुढ़े बुजुर्ग, शायद नाम तो मैं टप गया, इशार से थे वो। 100 रुपए सम्मान करते हैं। हाँ जी, ये तौरती भांजी चौधरी उक्की वाला अपनी तरफ से 200 रुपए से और आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 4 की बात सुनिए महाराज। साधु संते ऋषि मुनियों के सदा ध्यान चरण मर ला के हो सुबह शाम 24 घंटे तू ईश्वर के गुण गा के कहे मांगे राम गुरु जी मारे छुपे गंगा में
राम साजन ग्राम दिनोद से श्रीमान सतपाल जी चौधरी सीधा नाम सत्तड़ सॉरी बस्ती राम जी श्रीमान बस्ती राम जी चौधरी ग्राम दिनोद से 200 रुपए सम्मान करते हैं तवरती बान जी के बड़े भाई तवरती बान के बड़े भाई और ये श्रीमान बॉक्सर भाई सनसनीवाल ग्राम पुरुष से 100 रुपए सम्मान करते हैं श्रीमान दिलीप जी प्रेमी टिटानी से 100 रुपए सम्मान करते हैं धन्यवाद और ये ग्राम पप्पूसा से दादा दिलबाग जी चौधरी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद ये ग्राम पुर से सरपंच साहब सत्यनारायण जी ना उनके ताऊ जी अपनी तरफ से सनसनीवाल आज के इस कार्यक्रम में 200 रुपए से और आशीर्वाद देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद देखिए महाराज हाँ हमें किसी नगरी का सहारा लेना चाहिए बिल्कुल ये सामने शहर है उज्जैन शहरी सुजैन ये भाई रवि ग्राम केड़ंगा से स्पेशल 100 रुपए हमारे हारमोनियम मास्टर भाई कैलाश वेदी यूपी वाले के लिए देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद जय हो भाई धन्यवाद जय हो दादा मदन लाल जी शर्मा ग्राम बजीना हालवासी भिवाणी अपनी तरफ से 100 रुपए से और सम्मान करते हैं धन्यवाद जोहरी परखता है बठियारे हाँ बोल बठियारी देख दिखा आज तो मन तेरे दर्शन हो लिए अरे मारा दर्शन हो लिया मारा तो कोई भागशाली ने दर्शन हो भाग तो तेरा फुटोड़ा से तेरा माड़ा भाग से एक कोई भी ग्राहक नहीं आया मेरे दौरे हाँ तेरे कने तेरा भाग फुटोड़ा से सुन ले तेरे कने कोई नहीं आता जो औरत आएगी वह मेरा भाग किया होगी अच्छा और मोटार मानस आवगा तेरा भाग का चलिए ये आ रहे इधर देखिए बिल्कुल ये मेरे भाग के ये तेरा भाग का कौन है मेरा भाग का मर्द मेरे भाग के बताया था अरे मर्द तो तेरा भाग है पहले गौर तो मेरा भाग की राम 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 देखिए आप मेरे दौरे ठहरिए आपके पास में ठहरूं बिल्कुल अच्छा हाँ क्या मैं बढ़िया खाना खिलाऊंगी जो आपकी व्यवस्था है वो आराम से बताइए क्या क्या व्यवस्था है आपके पास देखिए हाँ ओढ़ने बिछाने की कोई कमी नहीं है ओढ़ने बिछाने की कोई कमी नहीं है बढ़िया भोजन खिलाऊंगी आपको बढ़िया भोजन खिलाऊंगी आपको और बढ़िया कड़ी भर के पियाऊंगी वाह 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 बहुत बढ़िया बहुत यार कह के कड़ी भर के पियाओगी के बाद खाना भी छोटा बना बस अच्छा ना अच्छा तू क्या व्यवस्था देगा भाई मेरे कने बहुत भारी व्यवस्था है बताइए सुन यार बढ़िया खाना भाई खाट पे सोन का लूंगा 200 रुपये और नीचे सोवेगा तो रुपया लूंगा 500 यो कौन सा रिवाज हुआ भाई खाट पे सोन के 200 और नीचे सोन के 500 क्यों करे भाई खाट के ऊपर 2 ही करोड़ लेगा इन्न और इन्न एक इन्नर एक इन्न अच्छा और जब नीचे सोवेगा जब तेरा जच्चे उतना प्लेटा मारिए बहनी ताई या अपनी जगह इसलिए 500 रुपये 500 और देखिए हाँ इन्ना कुछ भी कोनी बनाना आंदा अच्छा अरे हाँ। मैं जो छूक लगा दी वो तेरे से लग गई कोने अच्छा देखिए मेरे पास में अच्छी व्यवस्था है बहुत बढ़िया और मैं अच्छी व्यवस्था बनाती हूँ जी अगर आप नीचे सोगे तो भी 200 रुपये लगेंगे और ऊपर सोगे तो भी 200 रुपये लगेंगे ना ऊपर का तो यार 100 भी ले लेगी ऊपर वाला में कोई टाल भाई बात सुन ले हाँ। हम रुकांगे हाँ। इसके पास यो तो भाई मैंने पहले बैठ था इसका दोरो समान सो मार कर कोने भाई देख ले तेरा तो भाग भी माड़ा ही सही हाँ भाग माड़ा है तो बहुत बढ़िया चीज ले रखी है भाई आइए हाँ कहिए मार कर बताइए क्या क्या व्यवस्था है देखिए बढ़िया खाने की व्यवस्था है और बहुत अच्छे पैसे लगेंगे आपके बहुत अच्छे अच्छे काम के तो अच्छे पैसे लगेंगे पैसे बिल्कुल बिगर पैसे बिगर काम कैसे चलेगा देखिए बठियारी हाँ हम बड़े आज के दिन निर्धन है कंगाल हैं हमारे पास पैसे नहीं पैसे ओ भाई एक नहीं ठहरो मेरे कन जगह भी कोनी से पैसे नहीं है
हाँ बिल्कुल नहीं। तो फिर बगैर पैसे तो मैं भी आपको नहीं डांट सकती हूँ। देखिए बठियारी, हाँ ये सरा चलाना ही आपका काम नहीं, आप एक गृहस्थी भी हैं। बिल्कुल, आप एक गृहस्थी भी हैं और गृहस्थी के भी कुछ धर्म होते हैं। जितना फर्ज गृहस्थी का वो सभी निभाना चाहिए। गौ ब्राह्मण ने भोजन दे के खुद पाछे खाना चाहिए। अपनी कमाई का दसवां हिस्सा सदा धर्म में लाना चाहिए और कोई भी मंगता भिखारी अपने घर से ना खा ली जाना चाहिए। समझती है इस बात को? देखिए आपको काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ ठहरोगे तो काम करना पड़ेगा। पहले मेरी बात सुन ले, पहुंचे भी क्लास सुनिए, बताता हूं। कदे कदे आना वैसे स्वागत सबसे पहले किसने किया और कैसा किया सुनिए। देखे रूस गई, रूस गई पार्वती लक्ष्मी किस्सा ब्रह्मणी का। तीन देवता बने ब्राह्मण लोटा ले पानी का। और जिम्मण खातर बड़े कुटी में सत देखण मिसराणी का। और तन मन धन तम पर जप उगा दिया ब्राह्मण की पानी का। तन मन धन से पर जप उगा दिया ब्राह्मण की पानी का। जैसे संसार के अंदर हम अपना घर बसाते हैं, उसी प्रकार ये शरीर भी एक घर है और इस शरीर के अंदर भी एक परिवार रहता है। सुनिए बताता हूं। देखिए दस इंद्री, हाँ दस इंद्री पच्चीस प्रकृति पंचभूत का लारा। त्रिगुणी माया जीव आत्मा मिलके भाईचारा। अंतकरण मन बुद्धि मिलकर करे फैसला न्यारा। रज और तेज दोनों मिलकर यो शरीर बना दिया सारा। रज और तेज दोनों मिलकर शरीर बना दिया सारा। मुट्ठी बीच के आया जगत में घर में आती थी का।
सुनिए बैठी आ रही है, एक बहुत गहरी बात बताता हूँ आपको। ये इनकी सेवा करना हर एक के बस की बात नहीं है। किसकी? श्रीमान ये साधु राम जी जांगड़ा पपोसा हालवासी हासी से तीनों के लिए 100-100 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए नंबर तीन की बात। लोगो गौ ब्राह्मण, गौ ब्राह्मण और गुरु की सेवा, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि मात पिता और गुरु की सेवा कोई जानने वाला करता। दया धर्म और शर्म हया बिना पेट जमाना भरता। काम क्रोध मत लोभ कसाई मारे बिन न मरता। है धन मुंजी मानस चक्कर के माथरता। है धन मुंजी मानस चक्कर के माथरता। धर्म सनातन हरि कीर्तन कदे कदे आना होसे घर में आती थी का कदे कदे आना होसे। डनन रही है प्रेम कहानी शुरू हो रही। प्रेम कहानी और ये प्रयास श्रीमान मदन सिंह जी राजपूत 100 रुपए सम्मान करते हैं। ग्राम दिनोद से राजेश जी अत्री चाचा भतीजा की जोड़ी अपनी तरफ से 200 रुपए और सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बठियारी काहे का गुमान कर रही है, ये संसार सारा स्वार्थ का है, मतलब का है। अच्छा सुनिए बताता हूँ। बताइए भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, बेटे पत्ते नारी महल हवेली, जाकी जंगले चिंदे महल अटारी। अकल बिन फिर ऊट उभाना साठ लगे बेमारी। अड़दी की गाठ मिल गई मुझसे न वो बड़ बैठा पनसारी। अड़दी की गाठ मिल गई मुझसे न बड़ बैठा पनसारी। क्या कहने नगाड़े वाले, अरे वाह नगाड़े। अच्छा, वाले जय हो। ये भाई बॉक्सर पुरिया से, बॉक्सर सनसनीवाल पुरिया से इसी राग निभे 100 रुपए और सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बठियारी इधर। हाँ जी भाई, ये 100 रुपए हमारे हारमोनियम मास्टर के लिए और देते हैं। वाजी भाई कलानौर से, केलंगा से, सॉरी केलंगा से। भाई जय हो, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि, रवि भाई केलंगा से 100 रुपए और देते, धन्यवाद। ये श्रीमान बी एन समरवाल बापोड़ा से 100 रुपए सम्मान करते हैं। और 100 रुपए हमारे केसर साहब श्रीमान महावीर जी शर्मा 100 रुपए से और सम्मान करते हैं। और ये 100 रुपए श्रीमान रमेश सिंह जी राजपूत बापोड़ा से। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। खुले ले रहे बेटे। और देखिए इस गौशाला के अंदर जो जो सजन, जो जो दानीवीर अपनी तरफ से दान दे रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और सजनों, गऊ तो गऊ है, चाहे वो राजस्थान की है, चाहे पंजाब की है, चाहे हरियाणा की, चाहे कर्नाटक की, चाहे आसाम की हो, गऊ तो गऊ ही होती है। गऊ सबकी इकसार है। और इसलिए ये हमारी इस छोटी सी पार्टी की ओर से सिर्फ छोटी सी भेंट हम भी इन गऊ माताओं के लिए देकर के जाते हैं। ये 2100 रुपये हमारी पार्टी की ओर से भी इन गऊ माताओं के लिए हम देकर के जाते हैं, हमारी तरफ से इस पार्टी की ओर से। बठियारी देखिए, हमें जो कहना था वो कह दिया, अब आप रखती हैं या हमें धक्के मारती हैं वो आपकी मर्जी है। देखिए हाँ,
अगर मेरे पास में रहोगे जी तो हर एक आदमी को काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा बिल्कुल। आप बिल्कुल करेंगे, आप तो जंगल में जाके और मेरे लिए लकड़ी लेके आओगे, तन्न बढ़ के मरना है, खाना बनाऊंगी। अच्छा अच्छा खाने के लिए, हाँ बहुत बढ़िया। और ये आपकी औरत है जी, ये मेरे साथ में रसोई का काम करेगी, बिल्कुल खाना बनाने में आपकी मदद करेगी। क्यों ठीक है महाराज, बहुत बढ़िया। और ये आपके बच्चे हैं, देखिए बठियारी एक मिनट, क्या बच्चों को कोई काम मत बताइए, बच्चों से जो काम आपको लेना है वो हम कर देंगे, हमें बता दें। नहीं नहीं देखो मेरे पास में ठहरोगे तो सभी को काम करना पड़ेगा। बेटी देखिए महारानी, नहीं पिताजी क्या हम कर लेंगे। अरे बेटी क्या कर लेगा तू, मैं हर चीज, बकरी मैं, बकरी मैं चुका लूंगा, बकरी और मुर्गे ये चुका लेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है बठियारी जैसी आपकी मर्जी, लेकिन हमें रखो और कुछ दिन के लिए हमारी सहायता करो। ठीक है सजनो, बठियारी उन चारों प्राणियों को अपनी सराह के अंदर रख लेती है और सिर्फ पांच दिन के बाद ही उस सराह के अंदर एक सौदागर आता है, जहाज बंदरगाह पे छोड़ देता है और सराह के अंदर आकर के जलपान करना चाहता है। सराह के अंदर पहुंचा और उस सौदागर की नजर उस महारानी अंबली पे पड़ जाती है। जो ही महारानी अंबली की शान शकल रूप हुसन को देखा, सौदागर मोहित हो जाता है और जाकर के उस बठियारी से उस महारानी अंबली का सौदा करता है। किस प्रकार वो बठियारी उस महारानी अंबली की कीमत लगाती है अलग अलग, सुनी चलो भाई, बीच में गाना करवा देता हूं, उसके बाद चला देंगे आगे। चाय भी आ रही है इनके पास। मेरी नौकरानी है बिल्कुल, ये बहुत गरीब है। नहीं ये मेरी जचने वाली बात नहीं है। कैसे? हाँ इससे मेरी बात करवाओ। देखिए सौदागर, बिगर पैसों के कोई काम नहीं होता है। अरे तू पैसों की चिंता मत कर बठियारी, सुनिए मेरी बात जरा। मेरे 300 रुपये मुख देखन के सजनो, नारे नारे मोल लगा रही है बठियारी उस महारानी अंबली के। न्यू बोली 300 रुपये मुख देखन के, ओ 500 लू बदलाई के बाण का। अच्छा 2000 में गल्ला कर दू ला 200 देसाई के, 300 रुपये मुख देखने के 500 बतलाई के, 2000 में गल्ला कर दू 200 देसाई के। किसे बहुत आवैसे, तेरे किसे बहुत आवैसे, सारे बाप भाई के 2000 में गल्ला कर दू या 200 देसाई के, 300 रुपए दे मुंह ते कड़ के 500 लड़ाई के, 2000 में गल्ला कर दू 200 देसाई के। और ये 100 रुपए हमारे चाचा जी यूपी बागपत से सुभाष जी राणावत उनकी तरफ से सम्मान होते हैं। सारी दुनिया कया करे घी गल्ला करे आटते, हेरे जो सुपने मडरिया करे वो नीचे पड़े खाटते, हेरे जो सुपने मडरिया करे वो नीचे पड़े खाटते, हेरे इसी बेहूती में कोनी डरती नहीं किसी लात दे, रे ताता पानी तो ढूंढ पड़े तो पैसे खर्च गांठ दे, ताते पानी
या दुनिया हो से लेने देन की, अरे दुनिया हो से लेने देन की, वो प्यारे असनाई के वो 2000 मगलिया कर दू या 200 दे साई के 300 रुपये मुख के लाइए 500 बतलाई के 2000 मगलिया कर दू 200 दे साई के सौदागर सुन ले तेरे भूखे मंगते कंगला में शराम कौन ठहरावे तेरे ओला सोला फिरे शराम नजर कसूती पावे तुटे ओला सोला फिरे शराम नजर कसूती डावे तेरे घना माल हो अपना घर में क्यों दीदे काट डरावे टक्का देके गज पड़े वाले उसने कौन बिसरावे आए टक्का देके गज पड़े वाले उसने कौन बिसरावे लेन देन बिन काम चलेना आए लेन देन बिन काम चलेना अकल में आई के 2000 मगल्या कर दूं ना 200 देसाई के 300 रुपये लड़ाई के 2000 में केला कर दूं 200 देसाई के रुपये श्रीमान दरिया सिंह जी फौजी साहब बीरन से 100 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे काम नहीं चलता है सौदागर भटियारी। हाँ, ये तू क्या 4 आने 8 आने 5 7 10 20 30 की बात करती है। मैं इंटरनेशनल व्यापारी हूँ, इंटरनेशनल सौदागर। अच्छा? मेरी जहाज सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरी हुई बंदरगाह पर खड़ी हुई है और तू ये 98 की बात करती है। बताइए जरा। हाँ, ये रंग जो है ये दिलबाग जी तारी पसंद के 5 7 10 20 30 की हम बात करना करते बहुत अच्छे और लखा का मारा लेने देने हम कति डरावा दिया
पावे मेरी जोड़का कहीं तो दिल्ला में नाद टूट जा यो बुलना कार कोड का कद लाखा का दुटा पड़ जा कद फायदा कई करोड़ का जी शर्मा हेड केशर गौशाला 100 रुपए प्रदान करते हैं और 100 रुपए पंडित जी बिजू पंडित जी तिगड़ाना से 100 रुपए बड़े भाई साहब सतवीर जी जाखड़ दिलोद से और 100 रुपए दादाजी मदनलाल जी शर्मा बजीना से वाला फिलहाल जो भिवानी रहते हैं और 100 रुपए जय हो भाई सुभाष जी बागपत यूपी से 100 रुपए ऑनलाइन भेजे बहुत बहुत धन्यवाद रवि रवि भाई की तरफ से 100 रुपए हमारे पेटी मास्टर भाई कैलाश वेदी यूपी वाले के लिए और ये 100 रुपए तुलसीराम जी बापड़ा से 100 रुपए प्रदान करते हैं 100 रुपए हमारे नंबरदार जी कमल सिंह जी और 100 रुपए दिलबाग जी पपोसा से क्योंकि दिलबाग जी को तो लागना ही था या तरजानी गुवाई है तिगड़ाना से 100 रुपए से सम्मान करते बहुत बहुत धन्यवाद लेना
ऐसा वचन कह दिया मुंह पे हम फेर फिरा ना करते बठियारी। हाँ कहिए। तू क्या 10-20-30 की बात करती है, मेरी बात करवा, तेरा मुंह बेरी जो चाहे वो मिलेगा तेरे को। देखिए सौदागर, इंटरनेशनल व्यापारी हूँ मैं, इसे लेकर तो आऊंगी। अच्छा, लेकिन तुम्हारी जो जहाज है उस तक मैं लेकर के आ सकती हूँ? बहुत, तुम जहाज तक लेकर के आ जाना, बाद में मेरी कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल तेरी कोई गारंटी नहीं, लाओ उसको। ठीक है, चौथी बात क्या कही दादा, चौथी बात क्या कही? ठीक है आप चलो। चौथी बात में क्या कहा दादा? चौथी बात में कहा कि हमने कार तगाजे की, बठियारी कार उमंग की, तेरी सराह में मणि चमकती जैसे नाग भुजंग की, श्री मांगे राम ने शिक्षा ले ली गुरु लक्ष्मी चंद के ढंग की, और दीपक किलो में बड़मरजा खूजा जान पतंग की, सतपुरुषा की पार लगे बेईमान तिराना करते, लाखा का हमारा लेन देन हम कती रहना करते। अच्छा ठीक है आप चलो, मैं लेकर के आती हूँ। लिया, देखिए आज मेरे साथ में चलना होगा तुम्हें। कहाँ चलना होगा भटियारी? दूर नहीं है तो पास ही में है, जो सौदागर है उसकी जहाज बंदरगाह के ऊपर। देखिए बहन, मैंने आपसे कहा था कि मैं घर के काम कर लूंगी, बार का कोई भी काम नहीं करूंगी। नहीं देखो, मेरे पास में रहना होगा, मैं कहूंगी वही काम करना पड़ेगा। बहन आप दया कीजिए हम पर। नहीं, मेरे पति भी यहाँ नहीं है, अगर मेरे बच्चे भी यहाँ नहीं है। नहीं मानती हो तो मेरे इस सराय से बाहर हो जाओ। बहन कैसी बातें कर रही है? आपको करना पड़ेगा, मैं कहूंगी वो। ठीक है माता जी, नहीं जाओगी आप? नहीं, तुम्हारा काम करो, चलो। नहीं, मैं अपनी माता को नहीं भेजना। नहीं, दूर रहो, आराम जाते काम नहीं करता है। देखिए बहन, हाँ माता जी आप मत जाओ। बेटे अगर यहाँ रहना होगा तो हमें भटियारी का सब काम करना पड़ेगा, मैं जल्दी आ जाऊंगी, तू यहाँ रहना और तेरे पिताजी का इंतजार करना, वो आते होंगे। हाँ जल्दी करो, चलिए बहन भटियारी चलो, नहीं तो वो सौदागर नाराज हो जाएगा। सौदागर, बठियारी बठियारी मैं तो माता जी सुंदरी तेरी को
रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, तेरे सब सुख सुविधाएं मिलेंगी, चिंता मत कर। हमने तेरा के भी कहना था बटियारी, मेरी बेटे सर्वरी बेटे नीर माता जी बटियारी ने सुनिए तोड़ की बात है कर दिए तमन कोई ना सहारा से और दादा लक्ष्मी चंद गुरु तारा से लक्ष्मी चंद गुरु तारा से मसल मसल पा धोया करियो इस दे ही ते मिलने मुश्किल झाड़ भोजन धोया करियो इन दे ही ते मिलने मुश्किल झाड़ भोजन धोया करियो। इसी बीच इसी रागनी पर ये ग्राम बापोड़ा से दादा राजेंद्र जी शर्मा जो दादा 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, अब आशीर्वाद तो हम ही चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ग्राम बिरन से ये ताऊ जी रुखवीर जी जो 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, और ये 100 रुपए ग्राम मंडाना से हमारे मैनेजर साहब नरेश जी श्याम प्रेमी श्याम भगत, और 100 रुपए ये यूपी बागपत धनौरा से चाचा सुभाष जी चौधरी राणावत जो 100 रुपए से ऑनलाइन सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भाई रवि स्पेशल हमारे कैलाश जी बेटी मास्टर कैलाश जी वेदी के लिए 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सौदागर मुझे जाने दीजिए, मेरे बच्चे मेरे पति मेरे इंतजार कर रहे हैं। कोई तेरा इंतजार नहीं कर रहा है। नहीं सौदागर, तेरे को घबराने की हम पर दया कीजिए सौदागर, ऐसा नय ना कीजिए। अथा संपत्ति है, मेरे साथ रहेगी, मौज करेगी। क्यों यहाँ इन बठियारी के पास में पड़ी है, चलो मेरे। लेकिन सौदागर
मेरी एक शर्त है। बोलिए क्या शर्त है? आप मेरे पास नहीं आओगे जब तक मेरे हाथों में स्वाग की चूड़ी है। अच्छा। कहीं मेरे पति का पता नहीं चलेगा जब तक आप मेरे पास में नहीं आओगे, वरना मैं कूद के जान दे दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मंजूर है तेरी शर्त। सजनों, महारानी अंबली ने सौदागर के सामने शर्त रख दी कि सौदागर, जब तक मेरे हाथों में सुहाग की चूड़ियां हैं तब तक आप मेरे पास नहीं आओगे, तब तक आपके पास आपके साथ मैं किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं बना सकता। सौदागर को समझ में नहीं आया, रानी ने अपना रास्ता निकाल लिया और उस सौदागर की जहाज के अंदर रह जाती है। इधर राजा अंब जो पत्ते लेने के लिए गया हुआ था, लाकड़ी लेने के लिए गया हुआ था, वापस आता है। सरा के बाहर दोनों बच्चे बिलबिला रहे थे, दोनों बच्चे रो रहे थे। उन बच्चों को देख करके राजा अंब घबरा जाता है और क्या कुछ उन बच्चों से पूछता है। देखिए, वो बच्चे उस राजा अंब को सारी की सारी कहानी खोल करके बताते हैं। सुनिए, बताते हैं। पिताजी, बेटे नीर, पिताजी क्या हुआ? पिताजी क्या हुआ बेटे? क्या हुआ माताजी? क्या माताजी? क्या हुआ माताजी? क्या हुआ माताजी को? क्या हुआ? और वो तुम्हारा भाई कहाँ है सरवर? बोलो सरवर, सरवर। पिताजी बेटे रो मत, रो मत, रो मत, पिताजी रो मत बेटे, एक मिनट ठहरो। पिताजी क्या बात है सरवर? अरे बात, दोनों भाई रो रहे हो, बात क्या है, मामला क्या है, बताओ तो सरी। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है पिताजी। जुल्म हो गया? ये भटियारी नहीं है, ये बड़ी चंडाल है, बड़ी हत्यारण है ये। क्या कर दिया इसने? इसने बड़ा जुल्म किया हमारे माँ के साथ। तुम्हारी माँ कहाँ है बेटे? हाँ हाँ पिताजी, हमारी माँ बताओ बेटे। सबर करो बेटे, सारी बातें होंगी, सारा काम होगा, रुको सब ठहरो, बताओ। सुन भाई, धीर धर बेटे, छोटे भाई क्या बात है? पिताजी को बता दे तसल्ली से बात। सरवर हाँ। बताइए तसल्ली से क्या हुआ था यहाँ पर जब मैं यहाँ नहीं था? सुनिए, हेलो हनुमान, हेलो कहिए। अरे चंबल के चंबल के कंठारे जागे, तुम चंबल के कंठारे पे गए थे? हाँ हाँ। क्यों? आए और तना करे मां मारी ने मार पीट के उल्टे ता दिए, आए जुलम करया बैठियारी ने। कोई बात नहीं करो मारी ने, ओ उल्टे ता दिए जुलम करे बटियारी ने। पिता तो चल गया और जो कल्याणा एक लोग जरूर पारी मैं मां का जिक्र चलाया था, चाल पड़ी मां का जिक्र चलाया था, और वो लल चखी मारी मरगी, लल चखी मारी मरगी, हत्यारी ने
रमेश जी, सुभाष जी बीरण से 200 रुपए सम्मान कर दें इसी रागनी पे, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छा भाई। Family!
दुनिया में आए बूटी को रही चढ़ी मारे ना की इस दुनिया में बूटी को न्या रही पिताजी हवा भी रही ना दवा भी रही ना हवा भी रही ना दवा भी रही ना कसर पिटा पन सारी में ऐसा हुआ। हाँ हाँ बेटे इस भटियारी ने आप कुछ देर रुको यहीं पर आप अंदर मत आना मैं जाकर के उस भटियारी की खबर लेता हूं। जाइए पिताजी। भटियारी कहो क्या बात है। बात कुछ नहीं एक मिनट ठहर जा फिर करूंगा तेरा हिसाब। ये 200 रुपये गुपतदान 100 रुपये श्रीमान प्रकाश जी और 100 रुपये श्रीमान राजवीर जी फौजी सरल से गौ माताओं के लिए और 100 रुपये पार्टी के लिए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भटियारी। हाँ मेरे बच्चों की माँ कहाँ है। मेरे को क्या पता। बताइए कहाँ है वो। मेरे को नहीं पता है। जब तेरे पास रह रही थी और तेरे को नहीं पता कहाँ है तो मैं किससे जाकर के पूछूं वो कहाँ है। वो चली गई होगी किसी के साथ। चली गई होगी किसी के साथ। हाँ अरे हत्यारी यदि किसी के साथ जाती तो आज तक मेरे साथ क्यों रहती हो। यही है पिताजी वो इन मासूम बच्चों को छोड़ करके वो नहीं जा सकती। सच बताना होगा कहाँ भेजा है तूने मेरी। मेरे को कुछ पता नहीं। इसके बक्कल उतार दो। हेलो देखिए मेरी सराई में ज्यादा हल्ला मत मचाओ बाहर हो जाओ। बताती है अपने आप या मैं अपना रास्ता अपनाऊं। देखिए तू ये मत सोचना कंगाल हो तो मेरे खून में सर्दी आ गई है। देखिए यहाँ पे हल्ला मत करो शोर मत करो। शोर नहीं करूं। बिल्कुल शोर नहीं करूं। बताइए कहाँ है बच्चों की माँ। बताइए मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। बुलाइए पुलिस को। मैं भी चाहता हूं कि पुलिस यहां आए और मेरे बच्चों का और मेरी बच्चों की माँ का इंसाफ करे। बताइए। अरे को पता नहीं है। पुलिस सपने ना मार तो लो। एका रोड कहाँ है। एका पेट्रोल पंप पे जाओ। मेरे को कुछ पता नहीं है। बाहर चलो मेरी सराय से। दो अगर आंध गए। अरे हत्यारी तने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। क्या बिगाड़ा था हमने तेरा। क्या जुल्म किया था हमने। कैसा पाप किया था हमने। अरे तेरी शरण में आकर के रहे थे दुख के मारे विपत्ति के दिन काटने के लिए और तूने हमारी मजबूरी का फायदा उठा लिया। बेशरम तेरे जैसी औरत को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। देखिए हल्ला मत करो। करके दिन कटू था मैं पेट पलड़िया करके रे
बेशरम शरम आनी चाहिए। ये मेरे मासूम बच्चे जो एक दिन भी अपनी माँ के बगैर नहीं रहे, इनकी आंखों में कभी मैंने आंसू नहीं देखे जी। और आज ये रो रो करके पागल हो रहे हैं। बेशरम शरम आनी चाहिए थी तेरे को। अरे तड़के थे ये रोने लाग रे, तड़के थे ये रोने लाग रे, कदे न रोया करते एक एक दिन में कहीं कहीं बे ये नाया धोया करते। एक आदि बे मेरी गलिया ये पत्ते ढोया करते। अमली रानी ते चून मांग के लमड़ में पोया करते। अमली रानी ते चून मांग के लमड़ में पोया करते। सांच पड़े सोया करते ये माँ की कोली पर करे। अरे बेईमान बटियारी तने के मिल जा मेरा ऊंट बटीला करते। आज तैयार कर बठियारी देख, आज तैयार कर बठियारी तेरा के विश्वास करूंगा। थोड़ी सी देर मर देख लिए तन भी ये पास करूंगा। श्री कृष्ण रुक्मण धोरे जाके मैं हस हस रास करूंगा। श्री कृष्ण रुक्मण धोरे जाके हस हस रास करूंगा। अरे तेरी शरम कोई न ठहरे तेरा पर्दा फाश करूंगा। तेरी शरम कोई न ठहरे पर्दा फाश करूंगा। बठियारी तेरा नाश करूंगा यो कफन बांध लिया सर करे। अरे बेईमान बठियारी तने सुनत करया संग करया सर समय घर के आगे छोड़े। फिर घर क्या न करी तलाशी लिया तलोड़ तैटो में। गुरु लक्ष्मी चंद की मेरे हुई मन कर दिया दर्जे तो मैं। गुरु चंद की मेरे हुई मन कर दिया दर्जे तो मैं। श्री मंगल राम पीर के मुंह में बैठ गया अड़े कर करे। अरे बेईमान बठियारी तन के मिल जा मेरा ऊंट बटीला करके। अरे बेईमान ये जय सिंह जी शर्मा रण सिंह शर्मा दोड़ा से जो अपनी तरफ से 150 रुपए सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद बठियारी। हमारे इन बच्चों की और मेरी रानी की आत्मा की जो बद्दुआ है वो तुझे लगेगी और तू एक दिन भी चैन से नहीं रहेगी। सजनों राजा हम बड़ा परेशान हो जाता है कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बेटे नीर पिताजी बेटे सरवर पिताजी अब हम यहाँ नहीं रहेंगे ठीक है पिताजी चलिए। क्योंकि आज इस सत्यारी ने तुम्हारी माँ को बेच दिया कल तुझे बेच देगी परसों इसे बेच देगी एक दिन मेरा भी खोनाश कर देगी। चलो यहां से चलते हैं सजनों। राजा अम दोनों बच्चों को लेकर के और उस उज्जैन शहर से बाहर आ रहा था। चंबल के किनारे पर आकर के पहुंचा। बहाव तेज था। सरवर को गोद उठा करके नदी से पार ले जाता है और सरवर को दूसरे किनारे छोड़ करके वापस नीर को लेने के लिए आता है। जो ही नदी के बीच में पहुंचा उस चंबल के दरिया के बीच में पहुंचा ये गोरिया फ्रूट चाट भंडार वाला अपनी तरफ से प्रेमी 100 रुपये आज भी सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। सजनों वापस आ रहा था। बहाव इतना तेज हो गया दरिया का कि राजा अंब उस दरिया के अंदर बह जाता है। एक किनारे पर सरवर रो रहा है एक किनारे पर नीर रो रहा है।
कवि ने वार्ता लिखी है कि सजनो राजा अंब बह गया और बहता बहता किसी नगरी के अंदर जाकर के निकलता है। उस नगरी का राजा खत्म हो चुका था और राजा ने खत्म होने से पहले वसीयत लिख दी थी कि मेरी अर्थी के सामने इस शहर से बाहर का कोई भी मनुष्य आए तो उसे मेरी जगह राजगद्दी दे देना। राजा अंब को राज मिल जाता है और इधर एक धोबी और धोबन आकर के उस सरवर नीर को एक जगह करते हैं, अपने घर पे ले जाकर के उनका लालन पालन करते हैं। सजनों जब दोनों बच्चे जवान हो गए, दोनों बच्चों को धोबी और धोबन ने बड़ा लाड चाव प्यार से पाला था और संयोग से उसी राजा अंब की सेना में फौज में भर्ती करवा देते हैं। संयोग परमात्मा ने बैठा दिया। एक रोज वही सौदागर अपना सौदा करते करते उसी राजा अंब के राज में आ जाते हैं और अपना जहाज बंदरगाह पे रोक करके और राजा अंब के सामने जाकर के रात के लिए पहलवान मांगते हैं। पहलवान मांगते हैं, क्या कुछ होता है सुनिए राजा अंब के दरबार की एक वार्ता। हेलो महाराज, प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार, आप कौन? देखिए महाराज, मैं सौदागर हूँ जी, और मेरा जहाज जो है वो आपकी नगरी के जो बंदरगाह है उस बंदरगाह पे ठहरा हुआ है। बहुत अच्छी बात, कीमती सामान का भरा हुआ है जी, इसलिए मेरे को दो जवानों की जरूरत है, दो सिपाहियों की जरूरत है। सिपाही रात के पहरे? बिल्कुल, रात के पहरे के लिए। पहरे के लिए? हाँ, पहरे। अरे सेनापति बोलिए महाराज। देखिए ये सौदागर है और हमारे राज्य में है, इसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो इसलिए रात की ड्यूटी के लिए दो सिपाही इसके जहाज पर भेज दो जो पहरा दे लेंगे। तो जो हमने नए जो भर्ती करे हैं, हाँ, उन्हें को भेज देते हैं। बिल्कुल, उनको भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, उनकी ड्यूटी भी हो जाएगी। बहुत अच्छी बात, ठीक है। हाँ सजनो, संयोग से सरवर और नीर को ही उस सौदागर के जहाज पे पहरा देने के लिए भेज देते हैं। आधी रात तक तो दोनों बच्चे पहरा लगाते रहे, लेकिन बाद में छोटा जो लड़का था नीर, उसे आलस सताने लगा, नींद सताने लगी। बड़े भाई से कहता कि भाई ऐसे तो रात पास नहीं होगी, ऐसा करो कुछ कहानियां कुछ बातें करो, कोई पुरानी बात सुनाओ ताकि ये टाइम पास भी हो जाए और हमारी ड्यूटी भी पूरी हो जाए। दोनों भाइयों के अंदर बात होती है और इधर जहाज के अंदर सौदागर तो सोया हुआ है और वो महारानी अंबली को नींद नहीं आ रही थी, वो जहाज के अंदर चक्कर लगा रही थी, उन दोनों बच्चों की बात सुन लेती है और किस प्रकार आगे का रास्ता साफ होता है। सुनिए हाँ भाई, अरे कैसे नींद नहीं आ रही छोटू? अरे भाई हाँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही। क्या? बस रात को अपनी कहानी सुनाई, कोई अपनी कहानी सुनाए भाई, अपनी कहानी सुनाई है जगबीती अपनी। अच्छा? जगबीती से क्या लेना हमको? अरे उरा तो पैरा पसर नींद 12 एक बजे तक उरा ही को नहीं आवे। कित अंबा कितावली कित सरवर कित नील, जो जो पड़े अवस्था जून जून वे शरीर। कभी हे भगवान, अमृतसर पंजाब में था हमारे पिता जा का राज, राम जी ने पटक दिए ठाके। हाँ हे भगवान, हे भगवान, ये बच्चे कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो महाराज अम्म और मेरी बातें कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आज मेरे बच्चों को मुझसे दूर हुए काफी साल का वक्त बीत गया है, क्या करना चाहिए? अरे नीर, हाँ भाई, ये कैसी आवाज आ रही है? ऐसी तो हमारी माँ की आवाज थी। ये तो सेम हमारी माँ की आवाज थी। हाँ हाँ हाँ, क्या करना चाहिए? सौदागर को जगाना चाहिए। सौदागर बोलिए सुंदरी, क्या बात है? देखिए आप तो जहाज में सो रहे थे, इतनी रात को जो आपने तो पहलवान जो नौकर बुलाए थे, अच्छा, उन्होंने आपका सारा माल लूट करके और वो अपने वतन को लौट गए हैं। अच्छा? हाँ, सजनो जहाज को ही खाली कर दिया। रानी अम्बली, सारा सामान जो हीरे मोती जवाहरात कीमती सामान था उठा उठा करके जहाज से समुद्र में गिरा देती है और फिर सौदागर को बताती है, उन बच्चों के दोष लगाती है। किस प्रकार? सुनिए सुनिए सौदागर, मैं क्या करती, मैं तो अकेली थी, वो दो थे। तो तू पहले जगाती मेरे को? पहले मैंने आपको जगाया था,
लेकिन आप इतना नशा करके सोते हो अच्छा। पता ही नहीं चला। सुनिए सौदागर तेरा माल लूट के पहरेदार सिपाही ले गए। अरे सौदागर तेरा माल लूट के वो पहरेदार सिपाही ले गए। अरे मेरी समझ में नू आवे से वो नेचक तोनू भाई लगे। सोचा कर तेरा माल लूट के पहरेदार सिपाही लेके मेरी समझ में नू आवे से नेचक तोनू भाई लगे। अरे उस कूड़े पे एक जना था और उनमें एक बदमाश गढ़ा था। यार उनमें तो एक बदमाश गढ़ा था। कुछ देखा कुछ जिक्र सुना था। कुछ देखा कुछ जिक्र सुना था। करके लोग आसाई ले गए मेरी आवे से वो बैठम दोनों आई ले गए। मेरी समझ में आवे से मगात के वो माड़े नरम गात के। हर दो साल के एक रात के दो साल के एक रात के बाकी रात जगाई लेके मेरी समझ में नू आवे से सौदागर तेरे माल लूट के पहरेदार सिपाही लेके मेरी समझ में नू आवे से और सौदागर मैं थी माड़ी नरम गात की इबरहरी सुगड़ी शात की। रई बरहरी सुगड़ी शात की। हीरे मोती जवाहरात की। हीरे मोती जवाहरात की। थैली भरी भलाई लेके मेरी निगाह में तू आवे से वो नेटक दोनों भाई लेके। सौदागर तेरा माल लूट के पहरेदार सिपाही लेके मेरी निगाह में तू आवे से नेटक दोनों भाई लेके। ज्ञान मिले गुनिया में सत्संग मिले ऋषि मुनिया में। सत्संग मिले ऋषि मुनिया में। ग्राम बापोड़ा से दादा राजेंद्र जी शर्मा जो 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं अब आशीर्वाद दादा से हम ही चाहते हैं। और ये पुट्टी धनोरा बागपत यूपी से ये मेरे चाचा जी सुभाष जी चौधरी वो भी 100 रुपए से और सम्मान करते हैं। और ये डॉक्टर विजय कुमार जी भिवानी से जो 100 रुपए से और मान सम्मान कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। सौदागर इस बात की मैं गवाह हूँ। अच्छा आप चलिए ठीक है यहाँ के राजा के पास। मैं राजा के पास जाता हूँ। हाँ। आपको गवाही देनी होगी। जी चलिए ठीक है। महाराज कहिए। सौदागर अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया? अरे आपने जो सिपाही भेजे थे। हाँ? जो सुरक्षा कर्मी भेजे थे जी उन्होंने तो चाला कर दिया भाई। क्या कर दिया? ऐसा पूरी जांच खाली कर दी। सारा सामान सारा माल लेकर के रफू चक्कर हो गई। रफू चक्कर हो गए? हाँ। मेरे सिपाही आपका माल लेकर के चले? बिल्कुल जांच खाली कर दी पूरी। सौदागर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारी सेना का एक एक जवान विश्वास पात्र है। महाराज पूरी तो जांच खाली पड़ी है। अच्छा और मेरे पास पक्का सबूत और गवाह है। गवाह भी है? बिल्कुल। सेनापति बोलिए महाराज। इस सौदागर के जहाज पे रात को कौन पहरेदार गए थे? कौन सिपाही गए थे? पहरेदार सरवर और नीर गए थे। तन्ने के मेरा सरवर नीर नाम है उनका। हमने उनका मतलब नाम लिखा है सरवर नीर। के? कहा के है वो? हाँ मेरी बात सुना। हाँ ये धोबी के पास से आए हुए थे। धोबी के पास से आए थे? जरूर। अच्छा और हमने उनका नाम लिखा है। नाम लिखा है सरवर और नीर। नीर अच्छा बुलाओ उनको। सरवर और नीर हाजिर है दरबार। महाराज प्रणाम। प्रणाम कहिए महाराज किस लिए हमें बुलाए हैं आप? क्या रात को? हाँ। यही थे दोनों। इस सौदागर के जहाज पे आप गए थे रात को? जी हाँ।
एक बात बताओ, आपको पैरा देने के लिए भेजा था या इसका माल लूटने के लिए भेजा था? नहीं महाराज, हमने कोई माल नहीं लूटा। सौदागर का कहना है कि आपने दोनों ने इसकी पूरी जहाज खाली कर दी, सारा सामान लूट लिया। नहीं महाराज, हम तो अपना दुख रो रहे थे दोनों भाई। दुख रो रहे थे? जी हाँ। सौदागर, क्या सबूत है तुम्हारे पास मेरे जवानों के खिलाफ? बिल्कुल सबूत भी है और गवाह भी है। कौन गवाह है, पेश कीजिए। गवाह पेश करता हूँ महाराज। बोलिए। जो रात को ये दो नौजवान बातें कर रहे थे, मैं वो बातें सुनना चाहती हूँ। ये किसकी बातें कर रहे थे? ये आवाज, ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी लगती है। ये आवाज पिताजी की तो नहीं है शायद? ये आवाज तो पिताजी की लगती है। देखिए सौदागर, आपके साथ ये जो अबला, सौदागर ये जो आपके पास अबला जो गवाही दे रही है, ये चोरी के बारे में तो कुछ नहीं? बिल्कुल, रात को जहाज में थी ये और इसने अपनी आंखों से देखा है। चोरी के बारे में तो कुछ नहीं करिए, तो कहानी सुनना चाह रही है? जी कहानी सुनाइए। जो रात को ये बच्ची, वो जो गवाही देगी वो इसकी मर्जी, क्या गवाही देगी? जवानों, रात के समय आपने कोई आपस में वार्ता करी थी? हाँ हाँ। क्या वार्ता करी थी? सुनिए हमारी बात, बताइए। और थारे काले हुए चले गए, यार मेरे काले चले गए, हम टाइम पुगा के आगे। अच्छा। और 24 घंटे करी नौकरी इन आख्या पे जागे, तेरे काले चले गए, हम टाइम पुगा के आगे। अगन बोट के अंदर आप अपना दुख रो रहे थे? दुख रो रहे थे हम। अच्छा सुनिए, बताइए। पड़े पड़े अगन बोट में ये आनंद सोवे थे, और हम राजा के राज कमर देखे सो सो जंग जोवे थे, हम राजा के राज कमर सो सो जंग जोवे थे, और बड़ी मुश्किल ते में काटते हम कितका धन ढोवे थे, खड़े खड़े दोनों भाई हम अपना दुख रोवे थे, पड़े पड़े दोनों भाई हम अपना दुख रोवे थे, और हीनी चाल सुहेला डाला, हीनी चाल सुहेला डाला, ये नरम आदमी जागे, और 24 घंटे करी नौकरी ओए आख्या ते जागे, ले गए हमने मपुगा के आगे, 24 घंटे करी नौकरी ये आख्या ते जागे, वो राजा अंबे पिता मारे थे। एक मिनट, रहने वाले कहां के हो? अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब? हाँ। जी हाँ। पिता का नाम क्या बताया? ओ राजा अंबे पिता मारे थे, अमली थी महतारी, यो डके का मसला से देखे, यो डके का जिक्रा से तुम मिसल बांध लो सारी, अमृत सरकार राज छूट गया हम ते छत्तरधारी, एक बाबा जी ने आके मारे पिता की अकल मारी, एक बाबा ने आके मारे पिता की अकल मारी, ओ तोड़े के तो मीठे बोले ऊपर ने फिर दर्द आगे, 12 घंटे करी नौकरी फिर आख्या जाके, समझ गया आपने महाराज? बताइए। अमृतसर में हमारा राज था जी। और अम्ब हमारे पिता थे और अमली हमारी माँ थी, और हम दोनों भाई, मेरा नाम सरवर है और ये छोटा भाई नीर है। एक मिनट। हाँ। ये अबला जो पर्दे के अंदर खड़ी खड़ी बोल रही है, जी हाँ, इसकी आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है, तो बात करें इनसे। अबला एक बार जरा पर्दे से बाहर आइए। जी महाराज, प्रणाम करती हूँ मैं आपसे। प्रणाम से अपना। जी महाराज। महारानी अमली। महाराज। महारानी अमली, बेटे सरवर, बेटे नीर, बेटे पिताजी। ये कैसा संजोग है भगवान का, कैसी माया है ईश्वर की, एक रोज हम तीनों को, हम चारों को अलग अलग कर देता है ये, और फिर आज
वापस हमें मिला देता है। सौदागर क्या है ये बड़ा सजनों हाई फाई आदमी है। राजा सौदागर को सजा सुनाने वाला होता है, आशिक आदमी है। उसी समय